हेलो एवरीवन, जैसे आपको पता है लॉकडाउन के दौरान सब स्कूल हमारी बंद है और आप कल से ही अपनी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, उसी प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करने के लिए हम यहाँ से कुछ स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स के वीडियो हम यहाँ से बनाकर आपको सेंड करेंगे, जिससे कि आपको स्टडी करने के अंदर हेल्प मिले। तो आज हम सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया जो हमारा चैप्टर है, उस बारे में हम कुछ पॉइंट्स आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें और कुछ भी डाउट्स आता है तो ये वीडियो के एंडिंग के अंदर आप हमको कॉल करके कह सकते हैं। हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। Ancient Indian scripture Vishnu Puran states, Uttaram yat samudrasya imadreshaiva dakshinam varsham tad bharat nama bharatiya sansati. It means India extends from the Himalaya in north to the Indian Ocean in the south. It is said that new descendants are called Indians. In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatvarsh, Bharatkhand, Jambudvip and Aryavrat etc. words are used while taking resolution. Our country is gifted with the natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east, west and south. From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. देखा कि भाई इंडिया है जो हमारी कंट्री है वो कैसी है, तो कि भाई एंशिएंट कल्चर, जैसे कि हमको पता है एंशिएंट कल्चर मतलब क्या होता है, तो कि भाई जो वेदों पुराणों से जो चला हुआ आता है, सबसे एंशियंट अगर हम बात करें, अगर हम लैंग्वेजेस के अंदर बात करते हैं तो एंशियंट लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले लैंग्वेज आती है संस्कृत लैंग्वेज। जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर अभी जो दो लाइन आपने यहाँ सुनी उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग वो लोग ये समझा रहे कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि भाई इंडिया का मैप है, तो क्या हिमालय से लेंगे तो क्या भाई कन्याकुमारी नीचे तक का जो एरिया है, ऊपर से लेकर जो नीचे तक का एरिया है वो पूरा हमारा एंशियंट इंडिया मतलब कि हमारा कंट्री है, उसके आसपास रहने वाले मतलब उस कंट्री के अंदर रहने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो क्या भाई इंडियंस बोलेंगे। तो इसी तरह से जो भाई हजारों साल से जो चला हुआ आ रहा है, वेद है, पुराण है एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो ग्रंथ है उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम कल्चर बोलेंगे कि भाई जो हमारे वेदों से चला हुआ आ रहा है, हमारे पुराणों से चला आ रहा है, उस चीज को हम फॉलो करते हैं। अब इसको समझ में आ रहा है कि भाई कल्चर क्या है। आपको पता है कि भाई आपके पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो भाई आपके पेरेंट्स कैसे आपको बोलते हैं कि भाई कैसे बैठना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या आपका कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, वो आपको कैसे पता चलेगा, तो क्या भाई पेरेंट्स की फैमिली के थ्रू, तो वो आपका कल्चर है। अभी एक चीज़ नोट करनी है, हमारा जो चैप्टर है वो किस बारे में, तो क्या भाई हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज का मीनिंग क्या है आपने नोट किया किसी ने? एक काम करें, जिसके पास बुक नहीं है खास चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नोटबुक और पेन साथ में ही रखनी है, जिससे कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ पॉइंट्स आता है जो कि मैं आपको बताऊंगा, तब आपको वीडियो पोज करके वो पॉइंट को आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ये खास आप ध्यान रखें। तो हाँ, हम बात कर रहे थे हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, तो क्या भाई हेरिटेज को अगर हम किए तो भाई वारसा जो हमको चला हुआ आता है, विरासत जिसको हम बोलते हैं, क्या भाई वारसा जिसको बोलते हैं कि भाई वारसों से चला हुआ आता है, इसको हम बोलेंगे हेरिटेज। तो उस चैप्टर, ये चैप्टर पूरा हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया, क्या भाई किस तरह से हमारा जो कल्चर है, किस तरह से हमारी कंट्री है जो चली आ रही है, जो चलता हुआ आ रहा है, उस चीज के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। It was very vast in ancient time and now area-wise it stands on the 7th rank and population-wise on the 2nd. जैसे अभी हम next point पे बात करें, तो क्या भाई यूनियन लोकेशन है एरिया, तो क्या भाई हमारा लोकेशन है एरिया, अगर हमारे ग्लोब के ऊपर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने खास आपको बोला था कि नोटबुक और पेन अपने पास रखना, ये वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंस आपको एज ए नोट आईएमपी नोट आपके बुक में आपको लिखना है, ठीक है भाई। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया है वो 7th रैंक पर आता है। देखिए आज सेंटेंस लिखा हुआ है, आप पॉज करके ये लिख सकते हैं कि भाई इट वाज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड
पॉपुलेशन के अंदर सेकंड रैंक पे है, बट खास ज्यादातर में आपको यहाँ बताएंगे कि एरिया वाइज हम सेवंथ रैंक पर आ रहे हैं। तो ये आपकी एक आज की नोट बनेगी, तो अपने नोटबुक में आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं। अभी आगे देखेंगे इसके बाद लेते हैं कि
भाई आपका कोई आइडिया अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि भाई हमको उनके जैसा बनना है, तो हम कभी कभार क्या करते हैं उनके जैसे बनने की वो भी नहीं करते, तो वो भी हमारी एक लाइफ स्टाइल बन जाती है भाई। मैं इनको पसंद करता हूँ वो तो ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करूँगा। इसमें हर बार हम आपको बोलते हैं ना कि भाई कुछ लोगों से आपको अच्छी चीज़ें देख के अच्छी चीज़ लेनी है, उसको अपनी हैबिट बनानी है। तो ये अपना कल्चर भी आप बोल सकते हो कि आपकी हैबिट बन गई है कि भाई जैसे कि एग्जाम्पल मेरा दे रहे हैं आपको, जैसे भी पता है कि भाई कोविंद सर है वो हर चीज़ के अंदर, जैसे कि आप रिसर्च के टाइम पर देखते हैं, एक्सेट्रा टाइम पर देखते हैं, हम वो बर्ड्स की जैसे हेल्प करते थे, ट्रीज की हम जैसे हेल्प करते थे, ट्रीज बोलते थे, तो क्या आप लोगों ने मुझसे वो सीखा। समर के अंदर जैसे कि आपको मैं होमवर्क के तौर पर देता हूँ कि भाई घर पर है अभी समर चल रहा है तो भाई ट्रीज के बर्ड्स के लिए हम पानी रखते हैं, तो ये सब आप अच्छी अच्छी चीज़ें मुझसे ले रहे हैं। तो आप इसी तरह से कोई पर्सन को आइडियल बनाओ, उनसे अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपनी हैबिट बनाए। अभी आगे देखते हैं इसके अंदर
हम क्या करते हैं तो कि भाई बहुत सारा पोल्यूशन करते हैं, इधर उधर कचरा फेंकते हैं, लैंड पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, हम हर चीज़ में नेचर को नुकसान पहुंचाने की चीज़ मतलब कोशिश करते हैं। अब जब हम ही नेचर का ध्यान नहीं रखते हैं तो नेचर हमारा ध्यान कहाँ से रखे। इन शॉर्ट हमें क्या करना है कि भाई वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, क्लियरली आपको बताया कि भाई वी आर चिल्ड्रन ऑफ नेचर, हम उनके बच्चे हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है। ध्यान में कुछ नहीं, कुछ खास चीज़ें नहीं करनी है। क्या करना है तो कि भाई हमें ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना है, हो सके उतना हमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जैसे कि एसी है, फ्रिज है, व्हीकल्स है, उनका कम से कम यूज़ करना है जिससे कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो और हमारी लाइफस्टाइल को तो और अच्छे से इजी से आपको जीने के लिए आपको सबसे पहले अगर अपने आप की लाइफस्टाइल अच्छी करनी है तो आपको नेचर का ध्यान रखना है। अभी नेचर हेरिटेज के अंदर हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको बताया कि भाई फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, रिवर्स है, उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें जो हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। We treat nature with respect and faith. The examples of our close relation with nature are stories of Panchatantra and other tales of Buddhist religion. Our classical and folk music and several ragas are based on period of a day. Similarly, Ayurveda, Yunani and nature cure are also totally based on nature. Landscapes. Beautiful landscapes are generally formed due to different shapes of land. For example, the Himalaya is a landscape. It has endowed Indians abundantly with useful vegetation and minerals. Strange birds, animals, and mountain peaks covered with snow, brimming rivers are the gift of Himalaya. Forests of Terai and its pilgrimage places, for example, Amarnath, Badrinath, Kedarnath, and summit like Nanda Devi are in Himalayas. Rivers have been providing natural ways since ancient times. Indian culture has flourished on the river bank of the Indus and the Ravi. The rivers like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari, and the Krishna, etc. have profoundly influenced the people of India. Rivers are the source for drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterways. Vegetation. People of India are environmental lovers since ancient time. Its proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. Humans, animals, birds, etc. are dependent on trees for their food. Banyan and peepal tree and basil are worshipped in India. Wildlife. India is nature lover since ancient time. It is a country with animal lover culture. Tiger, lion, elephant, rhino, leopard, foxes, bear, deer, sambar, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, porcupine. जैसा कि अभी आपने देखा landscape, river, vegetation, environment, ये चार पॉइंट में से हमने कुछ मेन मेन पॉइंट्स अभी हमने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए। इसमें से आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो नेचुरल है वो प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, कितनी चीज़ें मिलती है, तो वो हमें इतनी चीज़ें देती है, तो हमारे पास से सिर्फ हमें इतना ही करना है कि उसका ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम हमारा जो ये वीडियो है यहीं तक रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और जो जो इसमें आईएमपी नोट्स मैंने आपको कहे वो आप अपने नोट्स के अंदर अच्छे से लिखना और उसको समझने की कोशिश करना। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे के चैप्टर्स के वीडियो है वो हम इसके बाद फिर से आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।